हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पुअर्स ट्यूटोरियल्स पर, ठीक। तो हम लोगों का चल रहा था प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में चल रहा था क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। कंसेप्ट वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और आज बात करेंगे कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। और साथ ही साथ आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत थी किसी भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। कोई दिक्कत थी किसी को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ना, ठीक है। तो आपके सामने ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता ही है, बड़े बड़े ढांसू क्वेश्चन होते हैं जो 6x4 के बोर्ड को पूरा भर देते हैं, लेकिन आंसर आपका एक लाइन में आ जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा हमारे ग्रीन बोर्ड पर, वो है अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है ना। फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ द 1000 केसेस, ठीक है ना। एक टायर बनाने वाली कंपनी है जो एक डेटा इकट्ठी करती है, ठीक है ना, एक डेटा इकट्ठी कर रही है, ठीक है। किस चीज का डेटा है वो है डिस्टेंस कवर का, ठीक है। एक टायर खराब होने से पहले कितनी दूर चलता है, इसका एक डेटा वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखती है, ठीक है ना। तो ये जो टेबल है वो 1000 केसेस का टेबल यहाँ पर लिया गया है, कि 1000 टायर्स का जो है यहाँ पर जो है डेटा इकट्ठा किया गया है, 1000 जो है टायर्स का डेटा इकट्ठा किया गया है, कि 1000 टायर्स में कितने टायर्स जो हैं कितने किलोमीटर्स चल सकते हैं, ये यहाँ पर डेटा दिया गया है, ठीक है ना। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेटा इकट्ठी करी है 1000 टायर्स का, और उन टायर्स में वो देखना चाहती है कि वो टायर खराब होने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई। तो देखिए, एक टायर है जो 400 किलोमीटर चलने से पहले ही 400 किलोमीटर चलने से पहले ही हो जाता है खराब। तो ऐसे कितने टायर हैं, 210 टायर हैं जो कि 400 किलोमीटर तक भी नहीं चल पाते हैं, 400 किलोमीटर चलने से पहले ही दग जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ टायर्स हैं जो 400 से लेकर के 900 किलोमीटर तक चलते हैं, ऐसे टायरों की संख्या है 325। और ऐसे टायर जो 900 से 1400 किलोमीटर तक चलते हैं, उन टायरों की संख्या है 385, ठीक। और ऐसे टायर जो 1400 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं, उनकी जो संख्या है, नंबर है, वो है 80। बहुत ही कम संख्या है जो 1400 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, 80 है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस टायर को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप इस टायर को खरीदते हैं तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि, पहला क्वेश्चन, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 400 किलोमीटर। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे 400 किलोमीटर चलने से पहले ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कितने टायर हैं जो 400 किलोमीटर से पहले ही दग जाते हैं, तो ऐसे टायर हैं 210, ठीक है ना, ऐसे टायर हैं 210 टायर ऐसे हैं जो 400 किलोमीटर तक भी नहीं चल पाते हैं। तो वही पूछा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे 400 किलोमीटर चलने से पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो 400 किलोमीटर चलने से पहले ही दग जाएगा, ठीक है, दगेगा, खराब होगा, तभी तो आप बदलोगे, ठीक।
तो हमारे पास जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है वो है 210 टायर। कितने हैं? 210 टायर हैं जो 400 किलोमीटर चलने से पहले ही दग जाते धड़ाक धम। ठीक, तो 210, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, समझिए, ठीक है, 210, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1000 टायरों पर ये रिसर्च करी गई है, तो 1000 हो गए। ठीक, तो बहुत ही आसान सी बात है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 210, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 1000। धुआं धुआं कर दीजिए आप क्वेश्चन का, क्वेश्चन का धुआं धुआं करिए, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब आप इसको 0.21 लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 0.21। तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि उसे 400 किलोमीटर से पहले बदलना पड़ेगा जो टायर आपने खरीदा है, उसकी पॉसिबिलिटी है 0.21, यानी 21%। कितना परसेंट? 21%। ठीक, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट विल लास्ट मोर देन 900 किलोमीटर, जो टायरवा आपने खरीदा है वो टायरवा 900 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, 900 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा, ई बात के का प्रायिकता बा, ई बात के का प्रायिकता बा कि वो 900 किलोमीटर से ज़्यादा चली, यह सवाल पूछल बाटे। ठीक बा, ठीक है, चलिए, तो 900 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पर आपको देखना होगा कि ऐसे कितने टायर हैं जो 900 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं। तो ये देखिए भैया, 385 टायर यहाँ पर हैं और 80 टायर ये भी हैं। अरे भाई, 1400 से ज़्यादा है तो 900 से तो ज़्यादा ही होगा ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, 385 और 80, इतने टायर हैं जो 900 से ज़्यादा किलोमीटर चलते हैं, यही सवाल में पूछा है। तो 385 और 80 को आप कर दीजिए ऐड, इतने टायर हैं, ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके कितने हैं मेरे दोस्त? वो तो 1000 के ही 1000 रहेंगे। ठीक, ठीक, इनको जोड़िए आप, कितना आएगा, कितना आएगा, 8 8 16 8 8 16, 460 465, कितना, 465। देख लीजिएगा क्या हमने सही जोड़ा है, सही सम किया है कि नहीं। 0 5 5 8 8 16 का 6 हासिल आया, 1 3 1 4, तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.465। ये आपकी क्या हो गई है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि आपने जो टायर खरीदा है वो 900 से ज़्यादा किलोमीटर चलने के लिए तत्पर है। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 46.5%। आया बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में, चलिए नोट करिए इतना, इसको रोक दो थोड़ा सा। तो आपने नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, अब हम इसको रब करते हैं और आगे इसी में बात करेंगे। ये दो क्वेश्चन हुए अभी इसमें, ठीक है ना, ये अभी इसमें दो क्वेश्चन हुए। बहुत मजा आएगा, ठीक है, पढ़ा तो चलो बच्चा लोगन, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड इसी में, वो क्वेश्चन क्या है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड somewhere between 400 kilometer and 1400 kilometer।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 400 किलोमीटर एंड 1400 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ऐसे कितने टायर हैं जो 400 से 1400 किलोमीटर तक चलते हैं। ठीक है ना, 400 से 1400 किलोमीटर तक चलते हैं बिना कोई एतराज किए। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 400 से पहले ही दग जाते हैं 210 टायर, इनकी बात ही खत्म कर दीजिए। ठीक है ना, 400 से ज़्यादा चलने वाले यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 325 टायर ये, 385 टायर ये और 80 टायर ये ऐसे टायर हैं जी। नहीं, 80 की बात नहीं आएगी, क्योंकि 80 जो है ये मोर देन 1400 है, ये 1400 से ज़्यादा किलोमीटर चलते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पर बतकही करनी है वो कितनी बतकही करनी है, 400 से लेके 1400 के बीच में हमें अपनी बात रखनी है। ठीक है, 325 और 385 ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ टायर्स हो गए। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। आया बात समझ में कि नहीं आया? आया गुड्डा लोग? 325 और 385 ऐड कर दो बाबू, 5 5 10 का 0 हासिल लावा, 1 2 1 3 8 3 11 का 1 हासिल आए, 6 1 7 710 स्नैपड्रैगन 710 आ गया। ठीक है ना, 710 ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ टायर। और कितने टायर पे रिसर्च भैल भैला है, 1000 टायर। तो 710/1000 इसका आंसर हो जाए, 0 से 0 कटेगा और आपका आएगा 0.71। ठीक है, यानी 71% टायर ऐसे हैं जो 400 से 1400 किलोमीटर तक चल सकते हैं। ठीक है, बिना कोई एतराज़ किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में बात करेंगे। हमें झुकना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें और झुकना पड़ेगा। क्या है, इट विल नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड एट ऑल, नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड एट ऑल। ठीक है, ऐसे कितने टायर हैं। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस टायर को जो आपने खरीदा है उसे कभी जिंदगी में रिप्लेस ही नहीं किया जाए। ठीक है, यानी आपने एक बार खरीद लिया तो वो 1000 क्या, 2000 क्या, 3000 क्या, लाखों करोड़ों अनगिनत किलोमीटर चलता रहेगा और न टायर घिसेगा न दगेगा। कब वो ऐसा भाईल बा है कि तू टायर खरीदो तो हर टायर कब ना खराब होए, ऐसे कभी भय है? ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जितने भी टायर हैं वो कभी ना कभी जा कर के खराब होंगे ही होंगे। ठीक है ना, कभी ना कभी उन्हें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कितने टायर यहाँ पर हैं जिन्हें ये कहा गया है कि उसे कभी रिप्लेस नहीं किया जाएगा, दे शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल। तो ऐसे कोई भी टायर नहीं है जिन्हें रिप्लेस ना किया जाए। देखो, इन्हें 400 किलोमीटर से पहले रिप्लेस किया जाएगा, इन्हें 400 से 900 के बीच में रिप्लेस किया जाएगा, इन्हें 900 से 1400 के बीच में रिप्लेस किया जाएगा, इसे मोर देन 1400 पे रिप्लेस किया जाएगा, बट रिप्लेस किया जाएगा मेरे दोस्त, बट रिप्लेस किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं है कि उसे रिप्लेस ना किया जाए। ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, 0। ऐसे टायर जिन्हें कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा उनकी संख्या 0 है, 1 भेली है। ठीक है, 0 है। ठीक, 0/1000 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। यानी ये इम्पॉसिबल है कि टायर खरीद लो ओकरे बाद कब्बो जिंदगी में टायर ना बदलो। ठीक है, आएगा देहाती देहाती बात हम समझ में आएगी कि नहीं। ठीक, तो एक क्वेश्चन और इसमें है, क्वेश्चन नंबर 5।
उसके लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मिटा ही तो रहे हैं। इसी में है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसी में है, वो क्या है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड, इट विल नीड टू बी, नीड टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपने टायर खरीदा है उसे बदलना ही पड़ेगा, उसे बदलना ही पड़ेगा, जो आपने टायर खरीदा है उसे बदलना ही पड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखिए, आप 1000 टायर ले लीजिए, सभी टायर को ले लीजिए, तो सबको बदलना पड़ रहा है, जितने भी 1000 टायर हैं उन सबको कभी ना कभी बदलना पड़ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टायर्स दैट टू बी रिप्लेस्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ टायर दैट टू बी रिप्लेस्ड कितने हो गए, 1000, इट विल नीड टू बी रिप्लेस, जहाँ रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े, ज़रूरत पड़े। तो ऐसे कितने टायर जिन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप जोड़ लीजिए, 210, 325, 385 और 80, इन सब का सम क्या 1000 आ रहा है, देखिएगा आप, 210, 325, 385 और 80, 5, 5, 10 का 0 हासिल आए, 1, 2, 2, 4, 8, 8, 16, 20, जो 2, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 1000। तो ऐसे कितने टायर जिन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही है, कभी ना कभी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही है, 1000, ठीक है। और कितने टायर हैं टोटल, आंसर आया 1। और जब किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो वो एक सर्टेन इवेंट होता है, यानी ये बात सर्टेन है कि टायर खरीदने के बाद उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में नहीं आया फिर से देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आवेगा समझ में, ठीक है, देखिए। चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर आपको देना है बिना मेरे आंसर दिए हुए, ठीक है, यानी मेरे आंसर देने से पहले आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े क्वेश्चन है इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ, नहीं तो जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप लोग इतने गंदे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि आप लोग बोर होकर भाग जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन जब लिख रहे थे तो हमने उस वीडियो को स्किप कर दिया कि क्वेश्चन लिखते समय कहीं आप भाग ना जाएं, क्योंकि आपको आंसर से मतलब होता है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप पढ़ा करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से भागे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 12 डिफेक्टिव बल्ब्स, 1 बल्ब इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक। एक बॉक्स है, एक बक्सा है, उसमें 600 बल्ब रखे गए हैं, 600 में से 12 बल्ब डिफेक्टिव हैं, खराब हैं, ठीक है, 12 बल्ब कैसे खराब है। तो आपको ये बताना है कि अगर हम उसमें से एक बल्ब निकालते हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब यानी एक अच्छा खासा बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अच्छा खासा बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी से पहले आपको ये पता करना होगा कि अच्छे खासे बल्ब कितने हैं, ठीक है। तो 600 में से आपके 12 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे खासे बल्ब कितने हुए, 600 माइनस 12, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए, 600 माइनस 12, जो कि आएगा 588। इतने बल्ब क्या हैं आपके, नॉन डिफेक्टिव। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये आपको चाहिए, ये आपके फेवर में बात करेंगे, फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 588। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बल्ब्स कितने थे, 600।
मतलब 600 भाई, है ना, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, 600 ठीक। कर लीजिए आप इसको डिवाइड, कर लीजिए आप इसको डिवाइड या सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 × 4 = 1 + 8 = 2 9 = 18 + 2 = 4 = 8 फिर 2 से काटिए 300, फिर 2 से काटिए 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8 2 × 7 = 14 और ये आ जाएगा आपका 150 ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ठीक। अगर कहा जाए कि आप निकालें और डिफेक्टिव बल्ब निकले, क्या निकले, डिफेक्टिव बल्ब निकले, तो उस बात की क्या पॉसिबिलिटी होगी, यानी हम ये कहें कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब ना निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की बात हो रही है ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए था नॉन डिफेक्टिव बल्ब का निकलना, तो ए नॉट का मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब का ना निकलना यानी डिफेक्टिव बल्ब का निकलना। तो आप जानते हैं पी ए प्लस पी नॉट ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए, पी ए की वैल्यू ये है तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो 1 में से उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 147 अपॉन 150 तो ये आपका निकल के आएगा 3 अपॉन 150। तो ये है डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी ठीक है ना, डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये है ठीक। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझिए, मैं हट जाता हूँ पीछे, नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बड़ी ही मेहनत से हमने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जब तक हम लिख रहे थे उस पार्ट को हमने स्किप कर दिया, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं, उसे छोड़कर भाग जाएंगे ठीक है, इसलिए मैंने ये सोचा कि उस पार्ट को स्किप कर दिया जाए। तो क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं उसका सोल्यूशन आसान होता है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ा ना करें ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन लिख रहा है तो आप उसको आगे बढ़ा दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़ा दीजिए, अदरवाइज आप उसको देखिए, कुछ ना कुछ आप ज़रूर वहाँ पर सीखेंगे ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा सीखने के लिए ठीक है ना। ठीक, खैर हम आप लोगों के बारे में जानते हैं कि आप लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ खेलना कूदना जानते हैं ठीक है, खुराफात करेंगे आप लोग सिर्फ बैठ के ठीक है, तो हम आपसे खुराफात ही करवा ले रहे हैं यहाँ पर ठीक, खुराफात ही करिए आप बैठ कर। क्या मतलब, ये क्वेश्चन आप बहुत देर से यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या मतलब इस क्वेश्चन का, आप लोग समझ पाए कि नहीं, अगर आप लोग मतलब समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि हमने जो है मतलब समझ गए थे। तो 50 सीट्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 5 बैग्स ऑफ सीट एंड वेयर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल टू द जर्मिनेशन आफ्टर 20 डेज, द नंबर ऑफ सीट्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वेयर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोस ठीक है। तो 50 सीट्स, कितने बीज, 50 बीज जो है सेलेक्ट किए गए 5 बैग में से, 5 बैग रखे थे 1 2 3 4 5 10 ठीक है, 5 बैग थे और 5ों बैग में से 50 बीया निकाल करके रख लिया गया, और उन 50 बीज को जो है 20 दिनों के लिए स्टैंडर्डाइज कंडीशन में उसे जर्मिनेट करने के लिए रख दिया गया ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में उसे जर्मिनेट कराया गया। तो ये देखा गया कि पहले बैग में से जो हमने 50 बीज निकाले थे, उस पहले बैग में से सिर्फ 40 बीज जो है वो जर्मिनेट हुए, दूसरे में से 48 जर्मिनेट हुए, वाह भाई वाह, तीसरे में से 42 जर्मिनेट हुए, शुभ हाँ, फोर्थ में से 39, फिफ्थ बैग में से 41 बीज जो है जर्मिनेट हुए। अब सवालों को देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग में 40 से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग जर्मिनेट हुए, 40 से ज़्यादा जो है बीज कितने बैगों में जर्मिनेट हुए, तो 40 में जर्मिनेट हुआ है, 40 से ज़्यादा नहीं ठीक, तो 40 से ज़्यादा ये एक बैग, 40 से ज़्यादा ये दूसरा बैग, 40 से ज़्यादा ये तीसरा बैग, यानी 3 बैग ऐसे हैं जिनमें से 50 बीज निकालने पर 40 से ज़्यादा जर्मिनेट हुए, आई बात समझ में। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम पहले क्वेश्चन के लिए कितना है,
तीन बैग जो है फेवरेबल है, टोटल बैग कितने थे 5, तो 3/5 पहले का करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में, तो लाइक करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना, जरूर कीजिए। 49 सीट्स इन अ बैग, ठीक, कि बैग में 49 सीट जो है क्या हुए, जर्मिनेट हुए। ऐसे कितने बैग हैं जिनमें 49 यानी 49 सीट्स जर्मिनेट हुए। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, और हमेशा रहूँगा, आपकी हेल्प करते रहेंगे हम। देखिए कितने बैग हैं, कितने बैग हैं जिसमें 49 सीट्स जर्मिनेट हुए, कुछ बच्चे कहेंगे। हाँ भाई, 49 सीट्स कहाँ जर्मिनेट हो रहे हैं, कोई ऐसा बैग नहीं है जिसमें 49 सीट्स जर्मिनेट हो रहे हैं, नो बैग। तो फेवरेबल आउटकम आपका 0 है, फेवरेबल आउटकम 0 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 5, तो 0/5 आंसर विल बी 0, ठीक है। तो दूसरे का आंसर 49 सीट्स इन अ बैग जर्मिनेट हो जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्या 0, तो दूसरे का आंसर सन्नाटा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग जर्मिनेट हो, ठीक है, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग जर्मिनेट हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा पहले में भी 35 से ज़्यादा जर्मिनेट हो रहे हैं, दूसरे में भी 35 से ज़्यादा जर्मिनेट, तीसरे में भी, चौथे में भी और पांचवें में, यानी पांचों बैग फेवरेबल आउटकम्स हैं। पांचों बैग कैसे हैं, फेवरेबल आउटकम हैं, ठीक है। तो तीसरे का फाइव बाई फाइव 1, ठीक है ना। तो ये सर्टेन है कि सभी बैग में से 35 से ज़्यादा बीज जर्मिनेट हो जाएंगे, आई बात समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, एटलीस्ट 40 सीट्स इन अ बैग जर्मिनेट हो जाए, कम से कम 40, क्या कम से कम 40 बीज जर्मिनेट हो जाए, कम से कम 40, पहले में 40 हो रहा है, बहुत अच्छी बात, दूसरे में भी कम से कम 40 तो आई है, तीसरे में भी कम से कम 40 है, चौथे में नहीं है, पांचवे में है, ठीक है। तो 4 कितने, 4 ऐसे बैग हैं जिनमें कम से कम 40 सीड जो है जर्मिनेट हो रहे हैं, 4 बैग हैं, कितने 4 बैग हैं जिनमें कम से कम 40 सीड जर्मिनेट हो रहे हैं, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 4, 4/5। चौथे का आंसर कितना होगा 4/5। पांचवे का, एटमोस्ट 40 सीट्स इन अ बैग, ज्यादा से ज्यादा 40 जर्मिनेट हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा कितनी जर्मिनेट हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा 40 जर्मिनेट हो जाएं, ठीक। पहले था कम से कम 40 जर्मिनेट हो जाएं, अब कहने ज्यादा से ज्यादा 40 जर्मिनेट हो जाएं, बहुत हुआ तो 40 हो जाए, तो पहला वाला सही है, ज्यादा से ज्यादा 40 हो गए, ठीक है, 40 से ज्यादा जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, यानी 40 से कम तो हो सकता है, यानी एक ये भी हो सकता है। तो 2 बैग ऐसे हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा 40 बीज जो है जर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे यहां पर 2, टोटल 5। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नोट करिए, क्वेश्चन बड़े होते हैं, सॉल्यूशन आसान होते हैं, लेकिन आपको करना है, समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कई बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो गलती कर देते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज को आप पिक नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एटलीस्ट 40 सीट्स का और एटमोस्ट 40 सीट्स का दोनों बातें अलग हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट, ठीक है, दोनों आंसर अलग है, बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? टू डाइस आर थ्रोन simultaneously find the probability of getting पहला इवन नंबर एज द सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, द सम एज ए प्राइम नंबर। चलिए पहले ये दो क्वेश्चन देखते हैं। दो डाइस है, उनको थ्रो किया गया है, ठीक है ना, एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो पहले जब दो डाइस को रोल किया गया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो हम आपको पहले बता दें कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक, साइमल्टेनियसली। ठीक, तो मान लिया कि पहले डाइस पे अगर वन आया और दूसरे पर भी वन आ गया, अच्छी बात, पहले पे वन आया दूसरे पे दो आ गया, पहले पे वन दूसरे पे तीन आ गया, पहले पे वन दूसरे पे चार आ गया, या और छोटा छोटा लिखते हैं जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आए। ठीक, तो हमने क्या कहा कि पहले पे वन आया दूसरे पे भी वन आया, ठीक, वन आया टू आया दूसरे पे, ठीक है, पहले पे वन आया दूसरे पे वन आया, पहले पे वन आया दूसरे पे दो, पहले पे वन दूसरे पे थ्री, पहले पे वन दूसरे पे चार, ऐसे। ठीक है, अब मान लिया पहले पे दो आया और दूसरे पे वन आया, दो आया और फिर दूसरे पे दो आया, पहले पे भी दो आया और दूसरे पे तीन आया, पहले दो दूसरा चार, पहले दो दूसरा पाँच, पहले दो दूसरा छः, इस तरीके से आया। ठीक, मान लिया पहले पे तीन दूसरे पे एक, पहले तीन दूसरे दो, तीन 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 चार, ठीक, तीन पाँच, तीन छः, ठीक, पहले पे मान लिया चार आया दूसरे पे एक आया, चार आया दूसरे पे दो आया, पहले चार दूसरे पे तीन, पहले चार दूसरे पे चार, पहले चार दूसरे पे पाँच, पहले चार दूसरे पे छः, ठीक, फिर पाँच आया एक आया, पाँच आया दो आया, पाँच आया तीन आया, पाँच आया चार आया, पाँच आया पाँच आया, पाँच आया छः आया, ठीक, और पहले पे छः आया दूसरे पे एक आया, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। तो जब दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सब क्या है उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मान लो पहले भी डाइस पे चार आ गया दूसरे पे तीन आ गया, पहले पे भी तीन आ गया दूसरे पे भी तीन आ गया, पहले पे तीन दूसरे पे चार आ गया, तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। ठीक है, जब आप दो डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, जब आप दो डाइस को रोल करते हैं, ठीक,
तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 36। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 हैं, 36, ठीक 36। अब कहा गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों नंबरों को, यानी दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं उन दोनों को ऐड करने पर इवन आ जाए, इवन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 एक हो गया, ठीक, 1 2 1 3 ये नहीं होगा, 3 1 4 ये भी इवन है, ठीक, तो 2 हो गए, ठीक, 4 1 5 ये नहीं होगा, 5 1 6 ये हो गया तीसरा नंबर, ठीक है, 6 1 7 नहीं होगा, 2 1 3 नहीं होगा, 2 2 4 होगा, 5 नहीं होगा, 4 2 6 होगा, यानी पांचवा नंबर, ठीक है, 5 2 7 इवन नहीं है, 6 2 8 इवन है, ठीक है, 3 1 4 इवन है, 3 2 5 नहीं है, 3 3 6 इवन है, ठीक है। इस तरह से आप ऐड देखते रहिए कि दोनों नंबरों को ऐड करने पे इवन कितनी बार आ रहा है। तो आपको यहाँ से देखकर ही पता चल गया होगा कि एक छोड़ करके आपका आ रहा है क्या, एक छोड़ करके आपका क्या आ रहा है, पहली लाइन में कितने इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन है, पहली लाइन में 3 इवन है, दूसरी लाइन में एक ये इवन है, एक ये इवन है, फिर एक ये इवन है, 3 इसमें भी हैं, तीसरी लाइन में एक इवन ये है, एक इवन ये है, एक इवन ये है, ठीक है ना, ऐड करने पर तीसरे में भी 3 है, यानी हर लाइन में आपको 3 3 इवन नंबर मिल रहे हैं सम करने पर दोनों डाइस के नंबर्स को, ठीक है। तो कितने लाइनें हैं यहाँ पर, कितने रो हैं, 6, तो 6 3 18, यानी आपका जो पॉसिबल आउटकम है वो कितना है, 18, ठीक है ना। तो पहले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा 18 अपॉन 36, टोटल कितना है 36, काटेंगे कितना आएगा 1/2। तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि दो डाइस को रोल करें और उनके ऊपर आने वाले नंबर का सम कितना हो जाए, इवन नंबर हो जाए, तो उस बात की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2, हाफ चांस, हाफ चांस है, कितना है, हाफ चांस, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द सम एज ए प्राइम नंबर, ठीक है, सम करने पर आपका क्या निकल कर आए, प्राइम नंबर निकल के आए, ठीक है, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, सम करने पर जो है आपका प्राइम नंबर आया, तो ऐसे कितने नंबर आपके पॉसिबल हैं बताइए, कितने नंबर, पहले आप खुद से इसको करेंगे। सम करने पर प्राइम आए, ऐसे कितने नंबर है, तो एक ये हो गया, 1 1 2 2 1 3 दो नंबर हो गया, ठीक, 1 2 ये नहीं, ये हो जाएगा आपका 3, ये नहीं, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर आपका ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक, फिर आपका ये नहीं, ये हो जाएगा आपका, ठीक, ये नहीं, आपका ये भी नहीं, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, ये नहीं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 तक पहुंच गए, ये आपका नहीं, ये भी आपका नहीं, ये आपका हो जाएगा, ठीक, 10। सम करने पर प्राइम आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 11, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका 12, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका होगा 5 5 10, नहीं ये भी नहीं होगा, 6 5 11, ये आपका होगा 13, 6 1 7 ये होगा आपका 14, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐड करने पर देखिए प्राइम नहीं होंगे, ऐड करिए 6 5 11 ये होगा, वो लास्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 15 ऐसे नंबर निकल के आए जिनको सम करने पर आपका प्राइम नंबर आता है, सम करने पर आपका क्या आता है, प्राइम नंबर आता है, ठीक है ना, सम करने पर आपका क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। तो ऐसे कितने नंबर हैं फेवरेबल आउटकम, 15 हैं, टोटल कितने हैं 36, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 12 3 36, ये आपका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, यहाँ तक आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को, किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई गहमा गहमी किसी तरह की है, नहीं आया ना कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
डबलेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, यानी दोनों डाइस पर सेम इवन नंबर आए, दोनों डाइस पर सेम इवन नंबर आए, तो सेम वाली लाइन आपको ये दिख रही है, ये आपकी सेम वाली लाइन, ठीक है ना, सेम वाली लाइन आपको ये दिख रही है। तो इसमें इवन वाले कितने हैं, एक दो और ये तीन, तीन ही ऐसे फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना। तो फेवरेबल कितने, थ्री, टोटल कितना 36 आ गया, 1/12 कितना आ गया, 1/12। आगे बढ़े, चलिए चौथा, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, तो हमने ये लाइन आपको खींची है, यही वो लाइन है जिस पे सेम नंबर आता है। तो कितने नंबर हैं यहाँ पर, 6, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 6, कितने हो गए, 6, टोटल कितने 36, तो 1/6। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसको किनारे को रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ रहा मज़ा कि नहीं, क्वेश्चन करते चलना है आपको, तभी आपको मज़ा आएगा। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कितना था, कौन सा नंबर था, पांचवा, ठीक। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, यानी दोनों नंबर को ऐड करने पर कम से कम 10 आना चाहिए, ठीक है, कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ऊपर वाले 10 तक पहुँचेंगे नहीं, 6, 1, 7 तक हाईएस्ट है। यहाँ पर देखिए, नीचे दूसरे लाइन में भी 10 तक नहीं पहुँचेगा, 6, 2, 8 तक है। तीसरी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में भी 6, 3, 9 तक, 10 तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना। 10 तक पहुँचेगा कहाँ से, कम से कम 10 होना चाहिए, तो यहाँ से पहुँच रहा है, 6, 4, 10 यहाँ से पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ से पहुँचेगा, कहाँ से, 6, 4, 10 आपको दिख रहा होगा, 4 और 6, 4 और 6 आपको दिख रहा है, ये आपको 4 और 6 दिख रहा है, ठीक है ना। 4 और 6 आपको यहाँ से दिखा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कम से कम 10 वाला, तो 4, 6, 1 हो गया, लेकिन फिर ये 10 नहीं, ये भी 10 नहीं, ये भी 10 नहीं, ये 10 हो सकता है, ये 10, ये भी 10 नहीं, 5, 4, 9 हुआ, 5, 5, 10 ये है, ठीक है। तो ये 4, 6 और 5, 5, ठीक है, ये हुआ। फिर आपको देख रहा होगा, तो ये 6, 4 ये भी 10 है, फिर 6, 5, 11 ये भी कम से कम 10, 6, 5, 11 और एक ये, तो ये 3, 2, 5, 1, 6 नंबर ऐसे हैं जिनका सम कम से कम 10 है, जिनका सम कम से कम 10 है। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 6, 6, 12 हो सकता है, दो डाइस रोल किए हैं, तो पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो मैक्सिमम 12 पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 10 आ जाए सम, इसके कितने फेवरेबल आउटकम है, 6, टोटल कितना 36, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अ मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, हम नंबरों को जोड़ें और कौन सा नंबर जोड़ने पर 3 से डिवाइड होता है, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनको जोड़ दें
जैसे 4 2 6 जोड़ दिया तो 3 से डिवाइड है, 2 1 3 जोड़ दिया तो 3 से डिवाइड है, तो सम करने पर वो 3 का मल्टीपल हो जाए, ऐसे कितने नंबर हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको बताना है, आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क है ये आपको कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन जो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, अ मल्टीपल ऑफ 2, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन साइड एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर साइड, ठीक। तो एक पासे पर 2 का मल्टीपल आ जाए और दूसरे पासे पर 3 का मल्टीपल आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है। दोनों ही क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसे ही आप बताएंगे और हम आपका आंसर देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आपको सबसे पहले कमेंट करना है इन दोनों का आंसर, ठीक है, ठीक है ना। ऐड करने पर दोनों नंबर को 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ऐसे कितने नंबर, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ऐसे कितने नंबर यहाँ पर हैं जो पहले डाइस पर 2 का मल्टीपल हो जाएं और दूसरे डाइस पर 3 का मल्टीपल हो जाएं, इस बात की भी क्या प्रोबेबिलिटी, और ऐसे कितने यहाँ पर पेयर मिल रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। आई बात समझ में, ठीक है, तो जो कराया गया उसको आप नोट करिए।